हमारा संकल्प है कि मप्र में वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसी क्रम में हमारा नारा है कि अब की बार 200 पार। इस संकल्प व नारे के साथ भाजपा नेता व कार्यकर्ता अभी से मिशन में जुट जाएं। इसके बाद हमें वर्ष 2024 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनवाना है। यह बात भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, भोपाल के पूर्व महापौर व उज्जैन संभाग के संगठन प्रभारी आलोक शर्मा ने रेलवे स्टेशन के समीप स्थित निजी होटल में भाजपा की जिला कार्य समिति को संबोधित करते हुए कही। सोशल मीडिया विभाग भाजपा नीमच के जिला संयोजक एडवोकेट कृष्णा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार की अध्यक्षता में शुरू हुई। जिला कार्य समिति की शुरुआत पं. दीनदयाल उपाध्याय व पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। जिला कार्य समिति में जिलेभर के अपेक्षित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। जिला महामंत्री राजेश लाढ़ा ने शोक प्रस्ताव रखा। इसके उपरांत कार्य समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जिले भर से आए पदाधिकारियों से वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा ने सीधा संवाद किया। उन्होंने वर्ष 2023 में मप्र में अब की बार 200 पार व वर्ष 2024 में मोदी सरकार के नारे के साथ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अभी से मिशन में जुट जाने की अपील की और 5 फरवरी से निकाली जाने वाली विकास यात्राओं की जानकारी दी। साथ ही संगठन के कार्यक्रमों व गतिविधियों को 100% जनता जनार्दन के बीच पहुंचाने की नसीहत भी दी। भाजपा के प्रदेश मंत्री और नीमच जिले के संगठन प्रभारी क्षितिज भट्ट ने वृत्त निवेदन लेकर जारी व आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। भाजपा जिलाध्यक्ष पाटीदार ने पिछली कार्यवाही की जानकारी पटल रखी, जिसकी पुष्टि की गयी। जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने अनुसूचित जाति कार्य विस्तार की योजना एवं क्रियान्वयन, कैबिनेट मंत्री व जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने G20, प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने आगामी केंद्र व राज्य सरकार के बजट कार्यक्रम, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र भटनागर ने आजीवन सहयोग निधि तथा अन्य आर्थिक विषय, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने 5 से 25 फरवरी तक निकाली जाने वाली विकास यात्राओं के संबंध में अपने विषय लिए और जिला कार्य समिति को संबोधित किया। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने राजनीतिक प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा, जिसका भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील कटारिया व जिला कोषाध्यक्ष विनित सेठिया ने समर्थन किया। जिला कार्य समिति का संचालन जिला महामंत्री सुखलाल पनवार ने किया एवं अंत में आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री अशोक विक्रम सोनी ने माना। इस दौरान जिला पंचायत नीमच के अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हेमंत हरित, विजेंद्र सिंह मालाहेरा, ललित ग्वाला, विकास गोयल, बंशीलाल राठौर, पुष्कर झंवर, हिमलता धाकड़, भाजपा नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता विशेष रूप से मौजूद रहे।